तो हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि 12 बाय पाराइट सेटलमेंट न्यूज़ क्या है। मतलब काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं और काफ़ी सारों को पता ही नहीं है कि क्या है इसका मतलब। तो एक जैसे मेरे पास एक स्क्रीन शॉट है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि टू ऑल यूनिट्स एंड मेम्बर्स टूडे देयर वॉज वन मोर राउंड ऑफ नेगोशिएशन विद IBA। ठीक है, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट MOU हैज़ बीन साइंड जस्ट नाउ विद द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग। 17% का इंक्रीज हुआ है पे स्लिप कॉस्ट में और एडिशनल लोडिंग ऑफ 3% आफ्टर मर्जर ऑफ DA। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट ऑफ पेंशन, मतलब इम्प्रूवमेंट होगा पेंशन में, और 5 दिन की बैंकिंग, अब 5 दिन का बैंक हो जाएगा, मतलब 2 दिन की छुट्टी रहा करेगी सैटरडे संडे की। तो कहने का मतलब ये है कि 17% का इंक्रीमेंट होगा इनकम में, मतलब जो आपका बेसिक पे होता है। ठीक है, और 3% का बाद में होगा जब आपका DA वगैरह से, मतलब पे रिविज़न होती है तो उसके बाद, मतलब क्या कहते हैं, आपका सैलरी तो इंक्रीज़ होती होती है। ठीक है, और महंगाई भत्ता, मतलब DNS अलाउंस के अकॉर्डिंग जो है आपका, जो है बेसिक पे के अकॉर्डिंग DA होता है, तो उसके बाद 3% का और एडिशनल उसमें ऐड होगा। ठीक है, और आपकी जो पेंशन है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, प्रपोज 12th BPS में, ठीक है ना, बैंकिंग पेंशन सिस्टम में जो है, और 5 दिन का आपका बैंक हो जाएगा फिर। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जो, मतलब एक तो देखो वर्क प्रेशर तो बैंक में होता ही होता है, लेकिन उसके हिसाब से इन्होंने 5 डे वीक कर दिया है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब जो है आप अपनी फैमिली को टाइम स्पेंड कर पाओगे, दे पाओगे, मतलब घर घर के, मतलब फैमिली को। तो यही वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही था कि इसमें अब जो है काफ़ी, क्या कहते हैं, आप मोटिवेशन के साथ पढ़ो और चाहो इस बार आप बैंक की जॉब पक्का लेना ही। तो बैंक का सारा कंटेंट, बैंक की बुक्स, और अभी मैं LIC वगैरह का ही बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।